हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है नई सुबह, आज फाइनली इंडिया जाना पड़ेगा, मतलब जाना है यार इंडिया तो वापस, अपना देश तो अपना ही होता है। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हमने यहाँ पे, और यहाँ पे की मॉर्निंग देखो अब क्या ही बढ़िया है। यहाँ ये देखो, ये मॉर्निंग, अभी फ़िलहाल निकलेंगे फिर यहाँ से सीधा एयरपोर्ट की तरफ। और बाकी मैं तुम्हें बताऊँ यार, स्टे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत सही जगह यार सच में। लिटरली मतलब हॉस्टल्स में रहना तो अलग ही एक्सपीरियंस है। तुम रहो जैसे यहाँ, ये वाला ना थोड़ा पीसफुल हॉस्टल था, मतलब शोर शराबा कम था लेकिन जगह बढ़िया थी जो भी कम। इसलिए अब फिलहाल चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट पास के, 0.35 मीटर के आसपास होगा, तो वहीं चलते हैं सीधा एयरपोर्ट वाली साइड, यहाँ से करते हैं चेकआउट। लेट्स गो टू इंडिया, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो फिलहाल फाइनली बाय बाय करते हैं फुकेत हॉस्टल एयरपोर्ट को, ये प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी बढ़िया थी। लेट्स गो टू, अभी इनकी एक शटल भी जाने वाली थी लेकिन वो जाएगी 12 बजे कितना हूँ, लेकिन हमें थोड़ी पहले पहुँचना है तो फिलहाल। और यहाँ पे ना ये वाली गाड़ी बड़ी ज़्यादा है, ये वाली सब मैक्सिमम बंदों ने यही रखी है, और ये ओरा करके क्या बात है, गाड़ियाँ तो बढ़िया बढ़िया है यहाँ पर भी। और ये स्कूटी पूरी GTA वाला फील देती है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में ओनर वोनर रहता होगा, उसका यहीं पे घर है। मतलब यहाँ पे जब भी आते हैं ना 7-Eleven, हमेशा इतना मोटा बिल बन जाता है ना, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस है ना उस हिसाब से हम चीज़ें भी अच्छी हैं। तो मतलब अगर अब तुम थाईलैंड आ रहे हो या 7-Eleven की चीज़ें ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा। खासकर ये जो फ्रोज़न फूड है ना, वो तो और भी टेस्टी ये है, और प्राइस भी काफ़ी बढ़िया। जी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट की साइड, और यहाँ पे तुम्हें मैं दिखाता हूँ, एक है इंटरनेशनल टर्मिनल, एक है डोमेस्टिक वाला। ये है डोमेस्टिक वाला और ये है इंटरनेशनल। तो अभी फ़िलहाल हम इंटरनेशनल से ही चलेंगे क्योंकि इंडिया तो इंटरनेशनल नहीं आता ना भाई। जब यहाँ पे आके मेरे को ऐसा लगता है कॉमनवेल्थ गेम में नहीं आ गया होता है, चीं चूँ चाँ 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 सारे यही करते हैं वहाँ पे। फिलहाल ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, साफ तो काफ़ी है, और यहाँ पे कोई पुलिस वुलिस CSF कुछ चेक करने वाले नहीं, सीधा अंदर चले जाओ भाई साहब। यहाँ पे रश देख सकते हो यार, कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे भाई साहब, तबाही ही तबाही, सभी फुकेत घूमने आए हैं भाई साहब। अब चलते हैं, ये आ गया पासपोर्ट, लग गया इस पर ठप्पा, और यहाँ पे चलते हैं जी इंडिया वापस नई दिल्ली। और सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे एज वेल, आज इंडिया में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा होगा। फिलहाल हमारा जहाज़ लगा है वहाँ पे इंडिगो का एज़ यूजुअल, यहाँ पे काफ़ी सारी एयरलाइंस के भी लगे हुए हैं। तो फिलहाल अभी करते हैं बोर्डिंग, बोर्डिंग के बाद यहाँ भी मैंने चेकिंग करी थी यार, चेकिंग कोई सीन ही नहीं है ना, किसी ने पूछा ना कुछ, मतलब फ्रिस्किंग तक नहीं की इन्होंने, सोचो कितनी बड़ी बात है यार। पता नहीं यहाँ पे लोगों को इतना ट्रस्ट कैसे है क्या है, बट पता नहीं। फिलहाल ये लगा हमारा सामने चमचमाता जहाज, तो इसके बाद चेकिंग करके सोचो ठीक है, चलो इंडिया में मिलते हैं आप फिर, नहीं मिलते बाय। फिलहाल जी होने वाले लैंड, फिलहाल जी इंडिया में लैंड होने के बाद हम आ गए हैं जी गुरु जी के आश्रम, और यहाँ पे लगे ये गाड़ियों में जाना होता है सेवा वाली, अंदर गुरु जी के आश्रम में फिलहाल चलेंगे। गुरु जी के आश्रम में तो वीडियो बनाने नहीं दी इन्होंने, तो मैं फिर बना भी नहीं पाया। अभी आ गए हम कुतुब मीनार, ये देख सकते हो, रात को तो काफ़ी बढ़िया लगता है, और साथ में जहाज़ वहाज़ चल रहा हो साथ में तो मज़े ही लगाते हैं यार। और ये देखो, रात को आना चाहिए यहाँ पर, तो ये काफ़ी शानदार लगता है, और जहाज़ से जो व्यू आता है वो तो अलग है। फिलहाल जी यहाँ से दिखा देता हूँ कुतुब मीनार, लेकिन व्यू बड़ा सही आता है, यहाँ से फ्लाइट जाती हैं जब ऊपर से तब तो वो भी क्लास सकती है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग, इंडियंस ही है मैक्सिमम, तो बाकी इसकी टिकट है 40 रुपये, ठीक है जायज़ है भाई साहब। यहाँ चल रहा है जी लाइट शो, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कैसे चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है। अभी पता नहीं क्यों बंद कर दिया ना लाइट पूरे यहाँ पे, जैसे दुबई में नहीं होता शो, पूरा वैसे ही चल रहा था यहाँ पे, अभी फिर से करेंगे शुरू, मैं दिखाता हूँ। फिलहाल जी ये था जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो बुर्ज खलीफा जैसा पूरा लाइट शो जो क्या बढ़िया।